हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति जायसवाल एंड वेलकम टू रेनबो पब्लिक स्कूल एंड माय यूट्यूब चैनल दीप्ति फिजिक्स एकेडमी। सो टुडे वी डिस्कस दीज की पॉइंट्स दैट आर फर्स्ट इज इलास्टिसिटी इलास्टिक एनर्जी और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। ओके, एंड सेकेंड इज टेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ मेटालिक रॉड्स क्लैम्प्ड एट इट्स एंड्स व्हेन बीइंग कूल्ड। कोई भी एक मेटालिक रॉड क्लैम्प्ड है जिसके एंड्स को एट एंड्स व्हेन बीइंग कूल्ड, और जब हम उसको कूल्ड करते हैं एंड उसके एंड्स में एक टेंशन प्रोड्यूस होता है। वो टेंशन कितना प्रोड्यूस होता है वो हमें कैलकुलेट करना। ओके, एंड इसमें इलास्टिक एनर्जी। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक एनर्जी और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन क्या है, जब हम किसी भी वायर में फोर्स अप्लाई करेंगे देन उसमें कुछ ना वो इलॉन्गेट होगी, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। एंड डैट वर्क हाउ मच डैट वर्क इज डन, सो नाउ वी कैलकुलेट। सो हियर फर्स्ट इलास्टिक एनर्जी और अ वर्क डन। सो हियर नाउ वी प्लॉटेड अ ग्राफ between the force and increment in length। जैसे हम फोर्स अप्लाइड करते हैं देन उसमें लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है, देन हमें कैसा ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट में, फोर्स एक वायर में, देन उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन लेंथ L। ओके, L लेंथ इंक्रीज होगी एंड देन हमें ग्राफ मिलेगा डेट इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज अ पॉइंट F एंड दिस इज अ O एंड दिस इज अ पॉइंट B। ओके, एंड दिस इज अ X एक्सिस एंड दिस इज अ Y एक्सिस। ओके, ओके, सो हियर ग्राफ प्लॉटेड फॉर द अप्लाइड फोर्स एफ अगेंस्ट द इंक्रीज इन लेंथ एल। नाउ वर्क डन इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर बाय L H W। हमने यहाँ क्या फाइंड किया, वर्क डन, हम लेंथ में L लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं देन उसमें वर्क डन W होगा। सो वर्क डन W एंड कितना वर्क डन हो रहा, एरिया इनक्लोज्ड बाय ट्राइंगल ओ ए बी, सो एरिया इज इक्वल टू द डेट वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड by the line OA with the L axis from L is equal to the 0 to L is equal to the L। okay, यहाँ पे work done कितना हो रहा है, area enclosed by the line OA with the L axis from L is ये straight line OA and L axis के बीच में जो area enclosed है that is a work done which is L is equal to 0 to length L and that is equal to the small L। okay, so here now we find the area, this is the triangle, so area of triangle that is OAB. Now we find the formula of area of triangle is half into base into height. So here half into base, base is OB, so we write here OB, and into height is BA, so we write 1 upon 2, and the value of OB that is equal to the L, and value of BA is equal to the force, so we write here F,
So that is equal to 1 upon 2 FL. That is work done. Okay. And it is also can be expressed as below. This equation first. This can also be expressed as below. If you have more questions expressed, kar sakte. W is equal to 1 upon 2, yahan F hai, then we write here F upon A into small l upon L into AL. Okay, yahan pe humne kya kiya? F upon L, F into L hai. Then humne A se divide kiya and A se multiply kiya, means ye dono cancel ho jayenge. Capital L se divide kiya hai and capital L se मल्टीप्लाई किया, ये दोनों भी अफेक्ट नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स हमारे पास वैल्यू सिर्फ बचेगी 1 अपॉन टू एफ इंटू एल. तो ये इंटू एन डिवाइड करना किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा, तो इस तरह से हम इसे राइट कर सकते हैं. ओके, सो वर्क डन इज 1 अपॉन टू एंड वी नो डेट एफ एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए इज अ स्ट्रेस, सो वी राइट हियर स्ट्रेस इंटू एल अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल means increase in length upon original length means a strain, so we write here strain and this is the length and this is the area, and so means this is the volume of the wire, so we write here volume of the wire. Okay, so this is the also a form of work done, and this is the first form of work done, this is in another form of work done. Okay, and abhi bhi hum ise ek another form mein write kar sakte hain, so that is 1 upon 2. Ab yahan pe dekhiye the internal potential, this is the internal potential energy. Okay, this is the internal potential energy of the wire. So now we find the internal potential energy per unit volume. So internal potential energy per unit volume. Okay, or we also called volume energy density. Energy density. And it is denoted by small u. अब देखिए ये क्या है, this is the internal potential energy. Internal potential energy, now we find the internal potential energy per unit volume. Per unit volume means हम इसे volume से divide करेंगे. Okay, means volume से divide कर देंगे, then हमारे पास क्या बचेगा, stress into strain. And internal per potential energy per unit volume is also called the energy density, and it is denoted by small u. So this is stress into strain. Okay, per unit volume, then volume से हम divide कर देंगे, volume cancelled हो जाएगा, then u is equal to 1 upon 2 stress into strain. Okay, and now we know that, but stress is equal to the Young's modulus into strain. Okay, so from here we find the, now here we put the value of stress in this equation. So u is equal to 1 upon 2 and the value of stress is equal to the Young's modulus into strain. So this is also a form of energy density. Okay, and we can also write in another form. So here we put the value of strain. So value of strain is equal to stress upon Young's modulus. So here we put the value of strain. Okay, so that is 1 upon 2 Young's modulus, and strain ko hum replace karenge stress upon Young's modulus se, then here the stress
स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, सॉरी यस स्ट्रेन स्क्वायर, ओके यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, सो दैट इज स्ट्रेन स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे देखिए हम स्ट्रेन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें, सो स्ट्रेन इज इक्वल टू द यंग्स स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, देन हम स्ट्रेन की वैल्यू पुट करेंगे, देन यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो यंग्स वन अपॉन टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू द स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, सो दिस एंड दिस आर कैंसल्ड, देन यू इज इक्वल टू स्ट्रेस, सो दिस इज ऑल्सो स्क्वेयर, सो हेयर स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन यंग्स मॉडुलस। ओके सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ओके सो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ मेटालिक रॉड्स क्लैम्प्ड एट इट्स एंड्स व्हेन बीइंग कूल्ड। ओके टेंशन फाइंड करना है, एक रॉड को हम मेटल जो क्लैम्प से कसे हुए हैं उसके एंड्स एंड उसको हम कूल्ड करेंगे, देन उसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके सो हियर टेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ मेटालिक रॉड, इन अ मेटालिक रॉड क्लैम्प्स एट इट एंड्स, at its ends when being cooled, when being cooled, okay. So here consider a rod of length L, area of cross section A, area of cross section A clamped at its ends. ओके अब जैसे ही हम रॉड को कूल्ड करेंगे उसका जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जिसकी वजह से उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। So here, if del T degree Celsius is the decreased decrease in temperature, so alpha is the coefficient of linear expansion. And y is the Young's modulus. Okay, so then यहाँ पे हमने क्या किया, डेल टी डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर उसका डिक्रीज किया है, देन अल्फा इज द कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड y इज द यंग्स मॉडुलस, सो नाउ वी फाइंड द coefficient of linear expansion means alpha, so alpha is equal to the decrease in length means l length kitna decrease ho rahi hai, l upon original length into original length is equal to the capital N and fall in
टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, डैट इज डेल टी डिग्री सेल्सियस वो भी राइट है डेल टी. ओके सो नाउ वी फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सो डैट इज अ डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके सो डिक्रीज इन लेंथ इज स्मॉल एल एंड ओरिजिनल लेंथ इज कैपिटल एल. सो हियर नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एल अपॉन एल इज इक्वल टू द अल्फा इंटू डेल टी, अल्फा इंटू डेल टी. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड डेल टी. ओके दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. नाउ वी फाइंड द यंग्स मॉडुलस, नाउ यंग्स मॉडुलस दैट इज y एंड इक्वल टू द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो हियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू द अल्फा इंटू डेल टी. सो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन सो डैट इज y अल्फा एंड डेल टी. ओके डैट इज स्ट्रेस. ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. वी हैव नो दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. ओके यहाँ से हम फोर्स फाइंड करेंगे मैं कितना फोर्स, ये फोर्स अपॉन एरिया अब देन फोर्स अप्लाइड ऑन क्लैम्प्स. सो फोर्स अप्लाइड ऑन क्लैम्प्स, अप्लाइड ऑन क्लैम्प्स मीन्स उसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस हुआ, हमने क्लैम्प में कितना फोर्स अप्लाई किया, जितना हम फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना ही उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा. और टेंशन प्रोड्यूस्ड, और टेंशन प्रोड्यूस्ड सो इक्वल टू द, सो हियर फोर्स इज इक्वल टू द स्ट्रेस इंटू एरिया. सो वी राइट हियर स्ट्रेस इंटू एरिया. ओके एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन इक्वेशन सेकेंड. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ओके फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. सो डैट इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल टी. ओके एंड एरिया इज इंटू ए. सो हियर द फोर्स इज इक्वल टू द वाई अल्फा, वाई अल्फा ए एंड डेल टी. ओके इट इज अ प्रोड्यूस्ड टेंशन. ओके तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया कितना एक टेंशन प्रोड्यूस्ड होता है. ओके सो थैंक यू.